told your friend you're not okay. हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज दोपहर के 2 बज गए और आप सबको हमारे तरफ से राम राम जी। बस मैं लंच की तैयारी करने लगी थी, लवण्या हमारी बहुत लेट सोती है और ये देखिए बच्चू रानी हमारी यहाँ पे सो रही है और ब्लॉग की एडिटिंग वगैरह करके आई हूँ। बस वीडियो अपलोड करना है और उसमें भी गड़बड़ होगी ब्लॉग में भी मेरी, क्या कहते हैं, मेरा डाटा। कल वीडियो मैंने बनाया बहुत सारा, रात को 3:30 बजे मैंने ब्लॉग एंड भी किया था, पता नहीं कैसे करके क्या कहते हैं मतलब वीडियो का रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो अब मुझे दोबारा से वो एंड करना पड़ेगा। तो मन्नू बेटा हमारा यहाँ पे बैठा है। हाँ जी बेटा, गुड आफ्टरनून राम राम जी। गुड आफ्टरनून राम राम जी। हाँ जी गुड आफ्टरनून राम राम जी। हाँ जी गुड आफ्टरनून राम राम जी। जय हिंद जय भारत। और ये भी निकल रहे अपने फ्रेंड के साथ, जय भारत जय हिंद। कल एक गाना है तो उसका शूट करना है, तो इसलिए तैयारी करने जा रहा हूँ, उसका अभी निकलना पड़ेगा, सब चीज तैयारी करनी है, तो वहाँ निकल रहा हूँ। ओके बाय बाय। अलग अलग गाड़ी में जाओगे क्या? अच्छा। अभी वीडियो रेंडर हो रही है, तब तक मैं रोटी बना रही हूँ। मम्मी को बहुत ही भूख लगी है, तब तक मैं रोटी बना रही हूँ। और मम्मी का पनीर भी खाया खाना, क्योंकि उनका फास्ट था, आज मंगलवार है, तो इसलिए वो चले गए। प्याज वो पी रखी है उन्होंने, अब कुछ खाना होगा तो केले को ले लेंगे बाहर से। ये देखिए यहाँ पे लवण्या लेटी हुई है, लंच वगैरह हम सबका हो गया और मैं लगा रही थी झाड़ू। वो देखिए दरवाजे के पीछे वहाँ पर है शिपली और मुझे वहाँ पे झाड़ू लगाना नीचे, और मुझे डर लगता है इससे। मन्नू का पापा गए हुए हैं, अब ये बाहर कैसे जाएगी मुझे आता नहीं, अब भगाना इसको, मुझे बहुत डर लगता है। मन्नू भी वॉशरूम में है, वो नहाने के लिए गया हुआ है। अब मैंने झाड़ू तो ले लिया, जाओ जाओ बाहर जाओ बाहर। ओ देखो तो रास्ता, तो देखो मैंने वहाँ से ना दरवाज़ा खोल दिया कि शायद ये दरवाज़ा देख के चली जाएगी, बट ये जा नहीं रही। और मैंने ये दरवाज़ा बंद है, अब मैं इसको खोल के बाहर भी नहीं जा सकती, मैं तो फंस गई हूँ रूम में। मैं झाड़ू लगाना है, झाड़ू देख मैं दरवाजा खोल ले रूम में नीचे को आ गई। अरे डरा मत भाई, मेरे को बहुत डर लगता है, क्यों डरा रही है? इधर जा रहा है, इधर नू, मेरी पंजाबी समझ नहीं आ रही, हिंदी में बात करूँ? शिकली यहाँ से जाइए, यहाँ से देखिए, ये मैंने रास्ता छोड़ दिया आपके लिए, इधर से चले जाओ ना, मैं आपको मैं कुछ नहीं करूँगी आपको। अरे मैं तो खुद डरती हूँ, मैं डरपोक हूँ एक नंबर की। ये झाड़ू तो मैंने लिया, मैं झाड़ू लगा रही थी इसलिए, भगाने के लिए नहीं लिया। अरे मम्मी नीचे को मत आ रहे भाई, नीचे को मत आ रहे, मम्मा मम्मा कहाँ से जाएगी नीचे को, मुझे बहुत डर लगता है, प्लीज़ बाहर आ जाओ। मनु जल्दी आ जाओ ना के, मनु मनु ना लिया नहीं, नहीं ना आया, झूठ बोलता है, आ जा देखना। अब ये मनु बचा रहा है, ये बहादुर बचा रहा, तो मैंने थोड़ा सा बाहर झाड़ू लगा दिया, मैं कहा वो भाग जाएगी, वो भागने वालों में से कहाँ है, वो तो भगाने वालों में से है। मनो दरवाजा खुला रख पुत्र, हाँ पूरा कितने? ओ देख देखिए शिपली जी, और रुक जा, अरे ये क्या हुआ था, देखिए शिपली जी मैं किसको लेके आई हूँ, बहादुर बच्चे को। ओ तो दिख रही नहीं दरवाजा, ओ ओ ओ दर कोने च हद है, देखिए इसको शिपली नहीं दिख रही, बड़ी मोटी है, बहादुर है तो बहादुर नहीं है। पहला दरवाजा ना खोल, दरवाजे फिर उन्हें बहुत दूसरे कमरे से बढ़ जाना, उधर खोल से आई मनु राम ना, अरे मम्मी मम्मी मनु वही मम्मी मम्मी, हाँ ऐसे पीछे 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 झाड़ू देगा मी, ए इधर आ, अरे अरे यहाँ इधर जा, इधर नु बाहर, पता नहीं ये कहाँ से आती रहती है हमारे घर में, मुझे इतना मनु रहता ना घर पर, तो नीचे ना गिर जे। हाँ रात को भी यहाँ पे नीचे घूम रही थी ये, और मुझे इतना डर लगता है इससे शिपली से। और मनु के पापा ने उस दिन भगाई तो वहाँ कोने में घुस गई, मैंने बहुत काम कर लिया, पता तेरे चक्कर मेरा काम खराब हो रहा है। शिपली देखिए मैं कहाँ खड़ी हूँ मंजे के ऊपर चढ़ के और इसको भगा रही हूँ यहाँ से, वो बैठ गई, देखिए ये आपको दिखाई दे रही है ना, ये देखिए ये देखिए, और मुझे लगता है इनसे इतना डर, मैं क्या बताऊँ। नहीं नहीं झाड़ू एकदम मार के देखिए, इन्हें पता चल गया कि अपन डरपोक है, ये तो हूँ बहादुर बन गई, पता क्या ऊपर वाली आंटी ने बोला सही बोला, ऊपर वाली आंटी शिपली तो डरती नहीं ना, ले की कहोगे हैं, एक शिपली ने पहचान वास्ते मनु बुला रहे हो मेरे, है
वो ऊपर वाले हैं ना जो वो बोल रहे थे कि मैं शिपली से डरती नहीं, मेरे हस्बैंड वो जहाँ शिपली देखेंगे बोलेंगे आ जा शिपली आ गई, और यहाँ पे मैं डरपोक हूँ, मन्नू के पापा भगा देते हैं। चलो घर में एक जाने का तो बहादुर होना चाहिए ना, नहीं तो उनकी ऊपर वालों की बेटियाँ भी बहुत डरती हैं, चीखे मारती रहती हैं शिपली को देखे मेरे जैसे। और मैं नहा लूँ तो वो तैयार, मन्नू का पापा तक आए नहीं है, वो शिपली वहीं की वहीं बैठी है। और ये देखिए बिल्लू रानी को हमारी को, ये बच्चों को भी नहला दिया, पानी आज इतना ठंडा ठंडा लग रहा था। लवन्या कैसे करती थी? हाँ कैसे करती लव्वू? मैं बच्चा रात को नहीं सोती हूँ, मैं दिन में सोने वाला बच्चा हूँ, लेकिन अपनी मर्जी से मैं टाइम भी चेंज कर लेती हूँ, मम्मा का कुछ नहीं कर सकती मम्मा इसमें। ये देखिए मैंने ना लाइट कम किया है, और ये देखिए यहाँ पे ना वो आ गया, बारिश में जैसे आ जाते हैं ना लाइट के आगे वो मक्कड़ से बोलते हैं इसको, और वो देखो कितने सारे आ गया है, तो इसलिए वो शिपली ना घर में इसलिए बैठी है, वो देखो वहीं पे के वहीं बैठी है, अब वो धीरे धीरे इसके पास आएगी, तो एक तरह से तो अच्छा, चलो उसको आज भोजन मिल जाएगा खाने के लिए। लवण्या चलो अब बाहर चलिए बेटा, अंदर ना शिपली का भोजन आ गया, चलिए अब पापा भी अपना डिनर डुनर तैयार कर दें, ठीक है पूजा कर दें शाम की। तो मन्नू बेटा अंदर बैठ के डिनर कर रहा है, अब मैं और लवण्या भी डिनर करने लगे हैं, मन्नू के पापा अभी तक आए नहीं है, भूख लगी तो मन्नू का अभी तक आए नहीं है, टाइम 10:30 होने वाले हैं, और जैसे ही वो आएंगे मैं उनके लिए मीठे परांठे बना दूँगी, क्योंकि आज मंगलवार था तो उन्होंने मीठे परांठे खाने हैं। ये आ गया मन्नू के पापा, कल सुबह इनको शूटिंग पे जाना है, सुबह कितने 5 बजे निकलना है, तो इन्होंने 5 बजे निकलना है। तो ये देखिए ये सारा चाय चूहे के लिए, ये पतीले पतूले सब सामान लेके जा रहे हैं घर से, और इसमें चीनी और चाय पत्ती वगैरह डालेंगे, छोटी इलायची डालेंगे, ये ट्रे भी लेके जा रहे हैं, और ये सामान लेके जा रहे हो जैसे लेके जा रहे हो वैसे वापस लाना, समझ गए? ये पता है, हाँ ये पता है, इन्होंने हर बार शूटिंग में जब भी कभी कहीं जाते हैं तो मेरे कितने बर्तन गुम कर दिए इन्होंने, ले आओ भाई ले आओ, पैसे दे दूंगा तेरे बर्तन के, पैसे नहीं फिर वहीं रह जाना, वो शूटिंग पे ही रह लेना। तो वहाँ पे खाना पीना भी बनेगा, खाने खुने के लिए सारा सामान वहीं पे है, और बाकी बस ये चाय चूहे के बर्तन लेके जा रहे हैं, और ये घर के लिए लाए हैं टमाटर हरी मिर्च, और तेल बिल्कुल भी नहीं था घर पे तो इसलिए तेल भी लाए हैं, और ये लेके जा रहे हैं साथ में सिलेंडर, तो ये 3 टेबल लेके जा रहे हैं, वहाँ पे 2 टेबल ये हो गए, 1 टेबल वो हो गया, इकट्ठे कर दे टेबल टेबल टेबल, आराम ना 5-4 सब्जी ना निकल कटने मुश्किल हो जाते हैं ना। लवण्या बुला रही है, कह रही मेरे को मिले नहीं आप, अच्छा प्रसाद तो खिलाया था अपने इसको, हाँ लवण्या को, तो लवण्या देखो इनको आवाज़ मार रही है कि मुझे मिले नहीं, डर मिले ना था लब्बू दोनों प्रसाद खिलाया था डरने बिट्टू, अच्छा गोद में नहीं लिया था ना, गोद में नहीं लिया था इसको, देखो अपने आप ही आवाज़ मार देती है, लपेस्टी तो बेटा मैं तो लगी थी लवण्या में, मैं तो लगी हुई है। इन्होंने भी खाना भी नहीं खाया तो मैं इनके लिए पराठे बना लेती हूँ मीठे शक्कर वाले, अभी 12:45 हुए हैं तो ये मीठे पराठे खाएंगे शक्कर वाले, ठीक है बना दूँ। तो डिनर वगैरह सबका हो गया है, और लवण्या बच्चू भी आज सो गई है, बट पता नहीं इसका कभी उठ सकती है, ये बीच में कोई पता नहीं इसका, तो पहले मैं एडिटिंग कर लेती हूँ ब्लॉग की, इन्होंने लैपटॉप से ऊपर लेके जाना, फिर मैं बड़े बड़े सिस्टम पे ही कर लूँगी, और मैं भी थोड़ा सो जाती हूँ, देखो मन्नू अभी तक नहीं सोया, इसको नींद नहीं आती, और अभी रात के 1:45 हो गए हैं, और इनको सुबह 4 बजे निकलना है अपने, हाँ तो इनको सुबह 4 बजे उठना, अभी 2 घंटे सोना है इनको। तो चलिए फ्रेंड्स आज के ब्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, अगर आप सबको हमारा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट शुभ रात्रि, बाय बाय।